यह एक पुराना केस है जिसमें लड़की ने लड़के के द्वारा शादी का प्रपोजल दिए जाने और ना मानने पर बुरी तरह से चोट मारने का केस बनाया था। इसमें लड़की का क्रॉस पहले कभी आपको दिखा चुके हैं तो इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहे। हमने इसी केस में पुलिस आईओ का क्रॉस भी किया था। यह भी संभव था कि हम आपको वह क्रॉस एज इट इज दिखा देते, लेकिन हमने एक दूसरा काम किया है। हमने सोचा कि आज आपके साथ मिलकर सीखते हैं कि जब इस केस में पुलिस आईओ को क्रॉस करना हो तो कैसे स्टेप बाय स्टेप तैयारी करें। आईओ के क्रॉस की स्टेप बाय स्टेप तैयारी कैसे करें, यही सीखने के लिए हम आज अपने इस वीडियो को तैयार करेंगे। लड़की का आरोप था कि लड़का उसको छेड़ा करता था। 2 जनवरी 2022 को शाम 6:30 बजे वह घर लौट रही थी तो आरोपी उसे पुलिया पर मिला। जबरदस्ती बुरी नीयत से उसने लड़की का सीना दबाया, हाथ फेरने लगा। लड़की ने कहा कि जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो मेरे गालों पर 2-3 थप्पड़ मारे, जबरदस्ती मेरे कपड़े उतार दिए और बाल पकड़कर रेलवे ट्रैक की तरफ घसीटने लगा। वह कह रहा था कि आज तुझे यहीं गाड़ दूंगा। मौका मिलते ही लड़की ने कहा कि वह वहां से भागी और अपनी स्कूटी से घर पहुंच गई। घटना की शिकायत एक हफ्ते से भी अधिक समय के बाद 10 जनवरी को करवाई गई थी। FIR दर्ज हो गई थी और मेडिकल एग्जामिनेशन उसके भी 3 दिन बाद यानी कि 13 जनवरी 2022 को करवाया गया था। मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई चोट वगैरह नहीं दिखाई दी थी। हाइमन के बारे में लिखा था इट वॉज ओल्ड टोन। जब कोर्ट में बयान हुआ तो आमतौर से शिकायतकर्ता पक्ष में इम्प्रूवमेंट किया जाता है तो यहाँ भी किया गया। लड़की ने कई बातें बदलकर व बढ़ा चढ़ा कर कही थी और जो पहले उसने FIR में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था वह छेड़छाड़ को बदलकर अब उसने रेप बना दिया था। जब भी आप क्रिमिनल केस की फाइल पढ़ना शुरू करें तो आप पाएंगे कि सबसे पहले FIR और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट, फिर मेडिकल रिकॉर्ड, उसके बाद जब्ती या बरामदगी, इस तरह पढ़ते हैं तो इससे केस निरंतर स्पष्ट होता चला जाता है। चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, तो पहले FIR पढ़ें, केस की प्रारंभिक रूपरेखा क्या है, केस की अंतिम रूपरेखा क्या है, या फाइनल रिपोर्ट में पढ़ें और उसके बीच के जो तमाम दांव पेंच हैं, मेडिकल रिकॉर्ड हैं, जब्ती हुई है, बरामदगी हुई है, वह पढ़ें। जब फाइनल रिपोर्ट पढ़ने के बाद केस की शक्ल संजीदा सी होने लगती है तो केस के अलग अलग पहलू परखे जाने चाहिए। ये अलग अलग पहलू मिलते हैं मेडिकल रिकॉर्ड से, मौके से, दूसरी जगहों से, पुलिस द्वारा की गई जब्ती और बरामदगी से। हमारे सब यंग एडवोकेट कलीग्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि शिकायत में जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी लिखी रहती है, मेडिकल रिकॉर्ड तथा जब्ती उस स्टोरी को सपोर्ट देने वाले पिलर्स बनाए जाते हैं, सबूत होते हैं और बिन सबूतों के कोई कहानी कोर्ट में नहीं चलती है। तो पुलिस आईओ का यह प्रयास रहता है कि जो भी शिकायत की गई है उस शिकायत को टिकाने के लिए, मजबूत आधार देने के लिए जो बाहरी रिकॉर्ड है वह लगाया जाए जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड और जब्ती का रिकॉर्ड शामिल होता है। अगला पक्ष आता है तथ्यों की आपसी संगति का। लड़की ने कहा कि जिस समय उसके कपड़े उतरे हुए थे उसको पक्की सड़क पर घसीटा गया। जिन लोगों ने भी आप में से एक्सीडेंट का सामना किया होगा वे जानते हैं कि पक्की सड़क पर घिसटने से, जो तारकोल की होती है, कई बातों की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले तो शरीर का जो भाग घिसटा है उसके ऊपर की परत चमड़ी उतर जाती है, छिल जाती है, स्किन से पानी बहने लगता है, बेहद जलन होती है, फिर समय गुजरने के साथ साथ उसके ऊपर पपड़ी जम जाती है और यह सब कुछ क्रमशः होता है। तो अगर आप जानते हैं कि यह होता है तो आप उस लड़की को क्रॉस कर सकते हो, लेकिन लड़की का क्रॉस पहले हो चुका था तो इसलिए अब आईओ का क्रॉस करना है और इन तथ्यों में से आईओ का क्रॉस कैसे निकालें, इसी को ढूंढने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। इस केस में घटना का दिन, दिनांक व समय 2/1/2022 है, जबकि पुलिस में रिपोर्ट करने का समय 10 जनवरी 2022 है।
हर व्यक्ति का स्वभाव होता है कि उसके साथ जैसे ही कुछ गलत हो तो वह तत्काल उसका निदान करता है। किसी ने यदि ऐसी बेअदबी इस लड़की के साथ की होती तो लड़की तत्काल पुलिस को सूचना देती, लेकिन नहीं दी। और कुछ नहीं तो अपने माता पिता को ही बता सकती थी कि देखिए मेरे साथ ऐसा हो गया है, वह भी नहीं बताया। रिकॉर्ड के मुताबिक हो सकता है घर पर बताया हो, लेकिन उसने रिकॉर्ड में लिखा है कि नहीं बताया। तो क्या कारण हो सकता है इस लेट रिपोर्टिंग का, जिसमें एक सप्ताह से ज्यादा का वक्त लगा। 2 तारीख को घटना हुई और घटना की रिपोर्टिंग पुलिस के पास 10 तारीख को की गई। 8-9 दिन इसमें लगे तो ऐसा कैसे हुआ होगा? ये सब बातें अब आईओ के क्रॉस में महत्वपूर्ण हो जाएंगी। दूसरा पक्ष है, यदि लड़की को सड़क पर घसीटा गया होता तो वह बताए ना बताए उसके माता पिता को जरूर पता लग चुका होता कि वह सड़क पर घसीटे जाने की चोट खाकर आई है। आप जानते हैं ना कि चोट लगने के बाद कितना दर्द होता है, तो वह चेहरे पर छलक जाता है, कपड़े फट जाते हैं, खून निकलने लगता है, तो माता पिता इस बात को अवश्य नोट कर लेते। लेकिन ऐसा लगता है कि लड़की पक्ष मेडिकल एग्जामिनेशन में देरी करने को उत्सुक दिखाई देता है। यदि लड़की उसी दिन मेडिकल करवा लेती तो उसके शरीर से शारीरिक संबंधों के सबूत भी मिल सकते थे और इस चोट के सबूत भी मिल सकते थे, लेकिन देरी के कारण इन दोनों में से कोई सबूत उसके शरीर से बरामद नहीं हो सका। आप जानते हैं हर एक आरोप की एक साक्ष्य श्रृंखला होती है, उसके जो एविडेंसेस होते हैं वो पाए जाते हैं। लड़की द्वारा रेप का आरोप है तो शरीर पर सबूत मिलेंगे ही, घसीटे जाने के पक्के सबूत होंगे, और ऐसे सबूत जो स्वाभाविक प्रवाह में होने चाहिए लेकिन रिकॉर्ड पर नहीं है तो नहीं है तो उसका लाभ आरोपी को अवश्य ही मिलेगा। उनके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनके ना होने में किसका हाथ है इससे भी फर्क नहीं पड़ता, पुलिस का हाथ हो या शिकायतकर्ता लड़की का हाथ हो, अब लाभ आरोपी को मिलेगा। यदि मेडिकल को लेट करने में लड़की दोषी है या पुलिस दोषी है इससे अब फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल यह है कि रिकॉर्ड के ऊपर तात्कालिक मेडिकल एविडेंस क्यों नहीं है। तीसरा पक्ष है अधूरे सबूतों का। शारीरिक संबंधों के तत्काल बाद लड़की ने कपड़े पहनने की बात कही है। आप में से सब बालिग लोग यह जानते हैं कि यदि एकदम बाद कपड़े पहने जाएं तो इन पहने हुए कपड़ों पर भी बॉडी फ्लूइड्स जरूर लग जाते हैं, शरीर से निकलते रहते हैं। तो ऐसे में लड़की के उन कपड़ों की बरामदगी होनी चाहिए थी, उनकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए थी, उस पर लगे हुए बॉडी फ्लूइड्स की जांच होनी चाहिए थी, लेकिन लड़की ने उन कपड़ों को बरामद नहीं करवाया, पुलिसाइयों ने भी बरामद नहीं किया। और अगर यह सब बरामदगी नहीं हुई, जांच नहीं हुई, तो इसकी जवाबदारी अब आईओ को देनी होगी। सिर के बाल पकड़कर लड़की को खींचा गया है तो लड़की के बाल उखड़े होंगे, क्या ऐसे उखड़े बालों का कोई स्पॉट मेडिकल एग्जामिनेशन में दिखाई दिया? यदि नहीं दिखाई दिया तो फिर इसकी जवाबदारी किसकी बनेगी? पहली बात है लड़की की बनेगी, और दूसरी बात है कि लड़की के बाल आईओ की बनेगी। फिर उसके बाद स्कूटी आ जाती है। उसने कहा कि लड़के के पकड़ने से वह स्कूटी नीचे गिर गई थी। अगर नीचे गिर गई थी तो उसके ऊपर भी पक्की सड़क पर गिरने से निशान बने होंगे, पेंट उतरा होगा, डेंट पड़ा होगा, तो उस स्कूटी का मैकेनिकल इंस्पेक्शन होना जरूरी था। लेकिन इस केस में स्कूटी का मैकेनिकल इंस्पेक्शन तो बहुत दूर की बात है, उसे जब्त भी नहीं किया गया था। उस स्कूटी का रिकॉर्ड पर कहीं कोई नंबर भी नहीं था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? और यह जवाबदारी किसकी होने वाली है जो सबूतों को इकट्ठा कर रहा था, यानी कि पुलिस आईओ। तो यह सब बातें आपको पुलिस आईओ से पूछनी होंगी। अब हम एक चौथा पक्ष भी देखते हैं। हमने देखा कि लड़की के तथ्यों में विसंगति है, तथ्य एक दूसरे के साथ सामंजस्य में नहीं है, उनके बीच में तालमेल नहीं है, महत्वपूर्ण सबूतों को जब्त नहीं किया गया है, मेडिकल एविडेंस रिकॉर्ड पर विपरीत बात कह रहा है, तो सवाल है कि इन बातों की विसंगति के लिए कौन जिम्मेदार है? निश्चित रूप से जिसने एविडेंस इकट्ठा किया वह आईओ जिम्मेदार है। तो अब अगला सवाल है कि इन बातों को आईओ के सामने कैसे रखें और कैसे आईओ का क्रॉस करें, आईओ से वे कौन से सवाल पूछे जाए कि आरोपी को निश्चित लाभ मिले। निश्चय ही वे सवाल जब्ती को लेकर रहे होंगे। तो हम आपको कुछ एक सवाल दिखाते हैं और आप उसको देखिए कि इस तरह से सवाल बनाए जाते हैं। सवाल बहुत थोड़े से हैं, पूरा क्रॉस हम यहां नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन इससे आप बनाने का तरीका सीखेंगे। देखिए,
पहला सवाल, आयु साहब लड़की का बयान है कि कथित शारीरिक संबंधों के तत्काल बाद उसने अपने कपड़े पहन लिए थे, तो यह बात तो सही है ना कि लड़की ने वे कपड़े आपको ना तो दिखाए हैं और ना ही जांच के लिए प्रस्तुत किए हैं, और आइए उसमें एक ही बात कहेगा कि हाँ नहीं किए हैं। दूसरा सवाल, मेरा कहना है कि ऐसे कोई कपड़े थे ही नहीं जिन्हें शारीरिक संबंधों के बाद पहना गया हो, इसलिए वे कपड़े ना तो आपको दिए गए और ना आपने उनको जब्त किया, क्योंकि शारीरिक संबंध बने नहीं थे तो ऐसे कोई कपड़े थे नहीं जिनमें वे बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते। तीसरा सवाल होगा, आयु साहब यह बात तो सही है ना कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान लड़की ने ऐसा कोई वैज्ञानिक कारण अपने बयान में नहीं बताया है कि उसको पक्की सड़क पर घसीटे जाने के बावजूद भी कोई खरोंच आदि क्यों नहीं लगी है। निश्चित रूप से लड़की ने ऐसा कोई वैज्ञानिक कारण नहीं बताया कि उसको सड़क पर खींचा गया और फिर भी उसकी कोई खरोंच नहीं लगी, आम आदमी को तो लग जाती है। फिर अगला सवाल है, यह बात भी सही है ना आयु साहब कि आपने डॉक्टर का बयान लेते समय भी डॉक्टर से कोई ऐसा मेडिकल स्पष्टीकरण नहीं पूछा है कि पक्की सड़क पर शिकायतकर्ता को घसीटे जाने के बावजूद उसके शरीर पर कोई निशान क्यों नहीं बना है, रगड़ क्यों नहीं लगी है, खून क्यों नहीं निकला है, चमड़ी क्यों नहीं छिली है, कुछ आपने मेडिकल डॉक्टर से नहीं पूछा है। आगे हम सवाल पूछेंगे, यह बात भी सही है ना कि लड़की के माता पिता ने भी अपने बयानों में यह बात नहीं बताई है कि जब लड़की घटना स्थल से घर पर आई तो वह दर्द से कराह रही थी। किसी भी व्यक्ति को देखें आप, छिलने से बड़ी चीज होती है, तो वह लड़की तो बिल्कुल नहीं चिल्ला रही थी। अगला सवाल हम पूछेंगे, आयु साहब यह बात भी सही है ना कि मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान ना तो लड़की ने डॉक्टर को बताया कि उसको बालों से उसको घसीटा गया था और ना ही डॉक्टर को उसके उखड़े हुए बाल दिखाई दिए हैं, पक्की चोट मारी है, जहां भी एविडेंस गायब है वहां आयु ने एविडेंस क्यों नहीं दिया, ये बात हम हमेशा आयु से ही पूछेंगे। अगला सवाल है, ये बात भी सही है ना कि आपने डॉक्टर के बयान रिकॉर्ड करते समय उससे यह प्रश्न नहीं पूछा था कि ऐसा कैसे संभव है कि बालों द्वारा खींचे जाने पर भी सिर से बाल ना उखड़े हों, ये महत्वपूर्ण सवाल था, आपने डॉक्टर से इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और जब आप पुलिस आईओ से ये सवाल और ऐसे ही अन्य दूसरे सवाल पूछेंगे तो वह उन्हीं उत्तरों को देने के लिए विवश होगा जो आप चाहते हैं कि वह आईओ आपको दे। बस ध्यान यह रखना है कि मूल क्रॉस एग्जामिनेशन कागज पर पहले से लिखकर तैयार रखें, कोर्ट में सवाल पूछते हुए वह लिखित क्रॉस एग्जामिनेशन आपके हाथ में होना चाहिए। लिखित क्रॉस एग्जामिनेशन आपके कार्य की खूबसूरती को बढ़ा देता है और आप कोर्ट में पैदा होने वाले अनेक प्रकार के प्रेशर से बचे रहते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वेशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान ना कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।